ग्राम कोठी के रितंभरा आश्रम में संचालित गुरुकुलम स्कूल की चार बालिकाओं के नहर में डूबने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जयस संगठन के आदिवासी सैकड़ों महिला पुरुष बच्चों ने ओमकारेश्वर थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया। वहीं जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और धरने पर बैठे, दोषियों के खिलाफ FIR करने की बात पर अड़े रहे। एडिशनल SP सीमा अलावा ने काफी समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन आदिवासी जयस संगठन के लोग नहीं माने और सिविल हॉस्पिटल चौराहे पर धरने पर बैठ गए, जिसको लेकर दोनों तरफ सड़कों पर लंबा जाम लग गया। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस और आदिवासियों के बीच काफी देर तक जद्दोजहद चलती रही। उसके बाद एडिशनल SP सीमा अलावा ने चार दिन में जांच पूर्ण कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके बाद आदिवासी जयस संगठन के लोग धरना समाप्त कर वापस लौटे। हमारे जयस परिवार ने उनको 4 अगस्त तक के टाइम दिया है। अगर 4 अगस्त तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद में हमारे जयस परिवार और जो पदाधिकारी है उन से बैठक लेकर अगला आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। और काफी टाइम हो गया, 4 महीने से लोग थोड़ा सा आक्रोश भी था कि पुलिस बहुत लंबे समय से जांच कर रही है, लेकिन इसमें कुछ अन्य विभागों से कुछ जानकारी आ गई उसका मामला पेंडिंग। राइट 9 न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट।